हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज की हमारी जो क्लास है ये लेसन 10 है, लास्ट मिनट प्रीलिम्स 2020 विनर सीरीज। ऑलरेडी हम 9 लेसन्स को कवर अप कर चुके हैं। प्रीलिम्स से आप सब जानते हैं कि पास है, तो सभी लेसन्स को देखना, करंट अफेयर के टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको सारे के सारे लेसन आपको देखने होंगे। और आज हमारा लेसन है लेसन 10। सो आर यू गाइज रेडी? वेलकम कल्पना, वेलकम रामधन, रंजीत, हर्षित, बीटी। चलिए गाइज, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन यूज स्टडी IAS कोड एंड गेट 10% इंस्टेंट ऑफ। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो इस यहाँ पे सॉर्ट आउट करे जाएंगे। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, कैसे हो आप सब? एम आई ऑडिबल इन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड आफ्टरनून राम कुमार। सो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है GS3 से रिलेटेड रहेगा, स्पीसीज के लिए इंडियन पी फाउल। इंडियन पी फाउल क्या हुआ है? ये जो स्पीसीज है जैसे पीकॉक होता है वही होती है। दिस स्पीसीज इज नेटिव टू इंडिया, सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द श्रीलंका। इंडिया में ये नेटिव है और कुछ पाकिस्तान और श्रीलंका जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पर भी पाई जाती है। द अराकन हिल्स प्रिवेंटेड द स्प्रेडिंग ऑफ दिस स्पीसीज टू फर्दर ईस्ट, वाइल द हिमालयाज एंड कराकोरम डिड सो द नॉर्थवर्ड। जो अराकम हिल्स है वो इसको रोकती है ईस्टर्न साइड जाने से, और जो कराकोरम हिल्स है वो इसको नॉर्थ साइड आने से रोकती है। ओके, हेलो शौकत अली। एज अवर नेशनल बर्ड पीकॉक हैज़ एट मोस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। ये हमारा नेशनल बर्ड की बर्ड ही होता है जिसको बहुत एक अच्छे वाली लेवल की जो प्रोटेक्शन है वो दी जाती है। पीकॉक जो होता है, पीकॉक की फैमिली जो है ना, आप ये लगाओ, पीकॉक की जो फैमिली है उसको पी फोल बोला जाता है। ओके, इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 में है तो इट मीन्स इतना कंसर्न वाली बात नहीं है। ओके, वेलकम मानसी, गुड आफ्टरनून टू यू। लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न होता है किसी भी स्पीसीज का स्टेटस, तो उसको अपेंडिक्स 3 में डाला जाता है बाय द साइट। थ्रेट भी है इसके लिए क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है, पॉचिंग हो रही है और कंटामिनेशन ऑफ फूड सोर्सेज हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी थ्रेट भी है इस स्पीसीज को देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये छोटा सा ही टॉपिक था, हमने इसको कवर किया, सभी स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं, अब हम कंटिन्यू करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है UNFCCC। क्या है ये? रिसेंटली 24th मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, जिसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये पोलैंड में हुई थी रिसेंटली, इसकी 24th मीटिंग हुई थी इसीलिए ये न्यूज़ में था। हम देखते हैं ये क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होती है? एक सुप्रीम बॉडी होती है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। गुड आफ्टरनून प्रमोद एंड थैंक यू टू यू। ओके, सो COP क्या होती है? एक सुप्रीम बॉडी होती है जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, कोई भी रिलेटेड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड अगर डिसीजन लेने होते हैं तो वो इसी सेशन में होते हैं। यस, वन हॉर्न राइनोज आर नेचुरली फाउंड, जो कि इधर आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड में मिलते हैं अंबर, राइट। और जो काजीरंगा है ना नेशनल पार्क असम में, वहीं पर ये मिलते हैं। एशियाटिक लोइन है या नहीं? एशियाटिक लोइन को आई थिंक नहीं कह सकते आप, नेचुरली नॉट फाउंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एशियाटिक लॉइन। ओके, कन्फर्म करके मैं आपको टेलीग्राम पे बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है UNFCCC का? कि अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कि ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा ना हो एटमोसफियर में, उसको स्टेबल करना। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्लाइमेट सिस्टम से रिलेटेड, उसको कम करना,
जो कि ऑब्वियसली डेंजर होती हैं। इट शुड बी अचीव विद इन अ टाइम फ्रेम सफिशेंट टू अलाउ इको सिस्टम टू अडैप्ट नेचुरली टू क्लाइमेट चेंज। और जो है जो भी टारगेट हमने सेट करे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इको सिस्टम के लिए, उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर ही उसको अचीव कर लेना। ओके, एनश्योर दैट फूड प्रोडक्शन इज नॉट थ्रेटन्ड एंड अनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू प्रोसीड इन अ सस्टेनेबल मैनर। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं गाइस। ऑब्जेक्टिव याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, मिनिस्ट्री याद रखना ज़रूरी होता है किसी टॉपिक की। स्टेटमेंट में आ जाएगा कि यूएनएससीसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ठीक है, मतलब कुछ ऑप्शन दे देंगे और ऑब्जेक्टिव वगैरह एक आधी स्टेटमेंट में दे देते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। यूएनएससीसी जो है 92 में बना था, लेकिन एनफोर्स कब हुआ था, 94 में हुआ था। ये कब बना था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को, जिसको आप अर्थ समिट या रियो समिट के नाम से जानते हो। ओके, सो रंजीत आप आंसर कीजिए, एशियाटिक लॉन आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया और नॉट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये, रिसेंटली आप सब जानते ही हैं कि 2019 में एक बिल पास हुआ था, पार्लियामेंट ने किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। लेकिन जब उसको प्रेसिडेंट की सहमति मिल गई, असेंट मिल गया, तब ये एक्ट बन गया। हम सब ये बात तो जानते ही है ना कि पहले बिल होता है और जब उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाए तो वो एक एक्ट बन जाता है। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बन चुका है। ओके, पहले के एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, अगर आपको सिटीजनशिप लेनी थी तो बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए टेरिटरी से आपको जो है सिटीजनशिप मिलती थी। गुड आफ्टरनून तपस्या। ओके, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि अगर कोई भी टेरिटरी हमारे इंडिया में इंक्लूड हो गई है, हमने उसको ऐड ऑन कर लिया है, तो वहाँ रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं वो भी ऑटोमेटिकली हमारे इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई भी इंक्लूड था इस, जो पहला ओरिजिनली जो एक्ट था ना उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इलीगल जो माइग्रेंट थे, इलीगल माइग्रेंट वो होते हैं ऐसे पर्सन जो इंडिया में आए हैं विदाउट द वैलिड डॉक्यूमेंट, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वैलिड या फ्रॉड से वो आए हैं, ऐसे माइग्रेंट को क्या बोलते हो, इलीगल माइग्रेंट। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इलीगल माइग्रेंट के लिए कोई जगह नहीं थी, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। ओके, आज क्या है 2019 जो एक्ट आ गया है उसके दो चार फीचर हम कर लेते हैं, थोड़ी सी आपको क्लियरेंस हो जाएगी। ओके, अब जो अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 का, तपस्या आप आंसर करो कि एशियाटिक लॉ नेचुरली फाउंड इन इंडिया और नॉट। अंबर हो सकता है नेचुरली ना हो, हमने कहीं से उसको मंगवाया हो, जैसे राइनोज हैं, राइनोज को भी हमने सुमात्रा से कभी हिस्ट्री में अपने यहाँ पर लेकर आए हो सकता है कि नेचुरली ना हो, राइट। सो चीज़ पे आप थोड़ा गूगल कर लो तो मिल जाएगा आंसर। ये जो 2019 का जो एक्ट है इसमें सिटीजनशिप दी थी, याद रखो, नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज को, नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज को। नॉन मुस्लिम का मतलब ऐसे लोग, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ओके, नॉन मुस्लिम के अलावा जो कौन से धर्म के लोग थे, हिंदू, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी और क्रिश्चियन, ठीक है, ये छह तरीके के थे। तीन कंट्रीज से आए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये याद रख लेना। उनको इस वाले एक्ट में सिटीजनशिप मिली थी, राइट। Persons came on or before 31st December 2014 will be treated as a illegal migrant। अगर इन तीनों कंट्रीज से आने वाले पर्सन, इन छः के छः रिलीजियस उससे आने वाले जो लोग हैं, अगर 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आए हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट करा जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि इस तारीख से पहले अगर कोई हिंदू पाकिस्तान से हमारे यहाँ पर आया है तो उसको इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। ओके, अगर उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो, राइट।
कोई बुद्धिस्ट आया है तो उसको भी माना जाएगा, अफगानिस्तान से आया है सपोज कोई बुद्धिस्ट तो उसको भी माना जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हैं आज के ऐप के, थोड़ा बेसिक कर लो। द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसी सीरीज में मैंशन है। इट कम्स अंडर द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सिटीजनशिप अक्वायर करनी है तो बाई बर्थ से की जा सकती है, बाई डिसेंट की जा सकती है, नेचुरलाइजेशन की जा सकती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया हो सकती है, रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ओके, डिसेंट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है जानने में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर अगर 26 जनवरी 1950 से एक कोई भी पर्सन है, ए पर्सन है सपोज, ए पर्सन ने 26 जनवरी 1950 से आउटसाइड द इंडिया अमेरिका में सपोज उसने जन्म लिया है तो वो इंडिया का सिटीजनशिप बन सक सिटीजन हो सकता है बाय डिसेंट। ओके, उसको कह सकेंगे कि आप इंडिया के सिटीजन हो बाय डिसेंट, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल उसको करनी होगी, वो ये है कि उस टाइम पर उसके फादर जो होंगे वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ओके, सपोज ए ने 26 जनवरी यानी कि 24 जनवरी 1950 को जन्म लिया अमेरिका में, उस टाइम पे उसके फादर इंडिया के सिटीज़न थे। बाद में अगर ए हमारे यहाँ पर इन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसको सिटीज़नशिप मिल जाएगी बाय द डिसेंट। ओके, तो ये वाला टॉपिक क्लियर है क्या, आप बताओ। लॉस भी हो सकता है सिटीज़नशिप का बाय रिनन्सिएशन। रिनन्सिएशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी किसी फॉरेन टेरिटरी की, फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लो और यहाँ की इंडिया की सेक्रीफाइस कर दो। रिनन का मतलब त्यागना, मतलब यहाँ की आप सेक्रीफाइस कर दो, छोड़ दो और किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लो, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी। ओके, टर्मिनेशन का मतलब है कि आप बस वही वही ले लो, इंडिया में इन्फॉर्म मत करो कि आपने वहाँ की ले ली है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इंडिया की सिटीजनशिप से आपको हाथ धोना पड़ेगा। ओके, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। डेप्रिवेशन का मतलब होता है गाइस कि अगर आपने इंडिया की सिटीजनशिप बाय फ्रॉड ली है या बाय मतलब आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखाकर ली है या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल्टी शो करी है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इन सब की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ऑर्डर करेगी कि आपको आप सिटीजनशिप के लायक नहीं हो और आपसे सिटीजनशिप ले ली जाती है। ओके, ये बात क्लियर है, ये टॉपिक सिटीजन वाला क्लियर होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो हमने कर ली। सो मानसी, क्लियर है क्या आपको? प्रमोद गाइज, एक बार आप सब अपनी प्रेजेंस कमेंट में बताइए ताकि मेरे को पता चलता रहे कि कौन कौन यहाँ प्रेजेंट है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रैफिक। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है, इसका फुल नेम क्या है? द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ये एक जो है एनजीओ है दैट वर्क ग्लोबली, एक ही एन जी ओ है दैट वर्क ग्लोबली ऑन द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एंड एनिमल एंड प्लांट फॉर बोथ डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए, ट्रैफिक का मतलब ये है कि कोई भी अगर प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई अगर वो खतरे में है ग्लोबल में, पूरे मतलब वर्ल्ड में अगर वो खतरे में है तो उसको प्रोटेक्ट करना काम किसका है? ट्रैफिक का है। उस बायोडाइवर्सिटी को बचाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना काम किसका है? ट्रैफिक का है। ओके, ये 1976 में बना था और एक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF प्लस IUCN के इन दोनों ने संधि की थी और उसके तरफ ये काम करता है ट्रैफिक। ओके, ये ट्रैफिक का लोगो है गाइस। इट ऑल्सो वर्क इन अ क्लोज कोऑपरेशन ऑफ द साइट। ट्रैफिक प्लस साइट आप कैसे याद करोगे? ट्रैफिक प्लस WWF प्लस IUCN, ट्रैफिक प्लस साइट यानी कि साइट में भी जितने एंडेंजर स्पीसीज होते हैं उनका उनको देख रेख भी जो है ट्रैफिक भी करता है। ओके, स्पेशली फोकस ऑन लीवरेजिंग रिसोर्सेज एक्सपर्टीज
या जो अर्जेंट स्पीसीज होती हैं उनको उनके ट्रेड पर, लाइक टाइगर है, टाइगर अभी एंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, तो उसका ट्रेड ना हो किसी कंट्री के किसी भी कोने में, ये कौन देखता है? हमारा ट्रैफिक देखता है. ओके, जैसे एलिफेंट की आइवरी है अभी थ्रेटन्ड है, इसका ट्रेड कहीं ना हो ये कौन देखता है? ट्रैफिक देखता है. जो राइनोज होते हैं, जैसे अभी वो एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं, तो उसको देखना भी किसका काम है? ट्रैफिक का काम है. ओके, गुड आफ्टरनून निधि. इट एंश्योर दैट ट्रेड इन द वाइल्ड प्लांट एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ट्रैफिक क्या देखता है कि कोई भी वाइल्ड प्लांट है, एनिमल है, वो कंजर्वेशन के मतलब नेचर के लिए थ्रेट ना बने. ओके, या मतलब वो उसकी कंडीशन ही थ्रेटन ना हो जाए. इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट मैनी स्पीसीज आर एंडेंजर्ड. हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग होती है, पोचिंग होती है, हैबिटेट लॉस होता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. इन सभी की वजह से जो एक स्पीसीज होती है उसका स्टेटस थ्रेटन्ड होता है, या तो एंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, है ना. तो वो रीज़न क्या होते हैं कि वो स्पीसीज का हैबिटेट लॉस होता है या मैन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं. ओके, ट्रैफिक ने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट करे, लाइक डोंट बाय ट्रबल, आप ट्रबल मत खरीदो. इंडिया का पहला अवेयरनेस कैंपेन था जो कि टूरिस्ट को एडवाइस करता था कि आप ट्रैवल करते हो क्या क्या चीज़ें खरीदें. वांटेड अलाइव सीरीज़, एक लेटेस्ट कैंपेन अभी लॉन्च करा है वांटेड अलाइव सीरीज, जिसमें टाइगर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड का इलीगल ट्रेडिंग को रोका जाना है. ट्रैफिक जो है काम करता है साउथ एशियन कंट्रीज़ को साथ लाने में. जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, यानी कि इंडिया हो गया, इंडिया के पास वाली जो कंट्रीज़ है ना, उनको साउथ एशियन बोला जाता है. उन कंट्रीज़ को साथ लाने में काम करता है ट्रैफिक, जिसका एक उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, उसका नाम है साउथ एशिया, रिमेम्बर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, दैट इज सवेन. ओके, कैसे आप प्रोनाउंस करोगे? सवेन, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क. इसके बारे में क्या है जानने की ज़रूरत कि भूटान में 2011 में ये बॉडी जो एस्टैब्लिश हुई थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोका जाए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, ये सावन का सवेन का एक उद्देश्य है. वाइल्ड लाइफ क्राइम ना हो और कॉमन गोल को भी हम एक टाइम फ्रेम अचीव कर ले, ये इसका गोल है. मेंबर कंट्री देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबर कंट्रीज याद रखना ज़रूरी हो जाता है. ये प्रीलिम्स के लिए होते हैं गाइस, जो स्पेशली बॉक्स में मेंशन होते हैं ना साइड में, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्टली है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. देखो ऑलमोस्ट मालदीव को छोड़ के बाकी सारी अपनी नेबर कंट्री है ना. मालदीव तो इंडियन ओशियन में आ गई है, उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्ला, भूटान, इंडिया, इंडिया तो अपनी ही है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, सारी अपनी नेबरिंग कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, तो याद करने में खास प्रॉब्लम होगी नहीं. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019. क्या है ये? सेंटर ने बोला कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, प्रूफ दिखाने के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी बनवाना होगा अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि उनको जो मतलब जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे सेंटर के द्वारा वो उनको मिल सके. बस बाकी इसके बारे में इतना याद कर लो कि जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन सब की एक कमेटी होनी चाहिए, उन सब के इंस्टीट्यूशन में एक कमेटी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन या हरासमेंट ट्रांसजेंडर पर्सन को फील हो तो वो वहाँ जाकर अपनी अर्जी का दायर कर सके, या ये कहो कि वहाँ जाकर अपनी बात कह सके. लास्ट टॉपिक क्लियर है क्या? शौकत, रंजीत, निधि, सकीपुल, कुणाल, अंकित, प्रीति, मानसी, अंबर, तपस्या, बताइए जल्दी. जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है जिस भी स्टेट में अगर किसी ट्रांसजेंडर के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हरासमेंट हो रही है, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो उसको एक राइट स्टेप लेने होंगे टू प्रोहिबिट ऑल दीज. प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश करनी होंगी. तो उन सबको ये काम करना होगा.
State will be responsible for the timely prosecution of the individual that charged under the section 18 of the Act. इसमें जितने भी गाइडलाइंस लिखी हुई है उन सबको अगर फुलफिल नहीं किया जाता तो उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा. पनिशेबल ऑफेंडर को 6 महीने और 2 साल तक की सज़ा उनको मिलेगी. स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी बनाएंगे अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. DM के अंदर ये जो है सेल बनेगा, जो आप सब फ्यूचर में बन जाएंगे DM, उसके अंदर ये प्रोटेक्शन सेल होता है. अंडर DGP टू मॉनिटर द केसेज ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन एंड इम्प्लीमेंट द सेक्शन 18. ओके चलिए, सो ये बताइए टॉपिक क्लियर है क्या सबको. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी न्यूज़ में भी था और काफ़ी डिमांडेड भी था, उस टॉपिक पर हम चलेंगे, दैट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त. देखो काफ़ी न्यूज़ में था ये 2019 में और डिमांड भी थी इसकी कि लोकपाल इंडिया में होना ही चाहिए. लोकपाल क्या होता है वो आप मुझे बताओ, क्या काम करता है, इतना हम आगे कुछ इन्फॉर्मेशन करते हैं, इतना आप बताइए. कंट्री के हमारे इंडिया के पहले लोकपाल को जो है नियुक्त कर लिया गया है. किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसीज और पेंशंस के द्वारा. इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि किस मिनिस्ट्री ने इनको अपॉइंट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशंस. ओके, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है? जो लोकपाल के चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर होते हैं, या तो 5 साल होती है या टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, 5 ईयर और द 70 ईयर. आप उसको जब लिखते हैं नोट्स में तो ऐसे लिखा कीजिए 5, 70 ईयर्स. आप समझ जाओगे कि या तो भाई 5 साल तक रहोगे या 70 ईयर तक रहोगे. जी बिल्कुल. सैलरी जो होती है वो या तो चेयरमैन की या मेंबर की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाती है. गाइस यहाँ पर मैं आपकी एक और टॉपिक क्लियर कर देती हूँ. दो फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटिंजेंसी फंड. कंसोलिडेटेड फंड में से जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं या दूसरे ऑफिसर हैं, कोई भी वर्कर है, मतलब सबकी जो सैलरी होगी ना, अलाउंस होंगे, सैलरी होगी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दिए जाते हैं. ओके दूसरा होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया. जैसे आप सब देखते हो कि जैसे आपके घर में जब बजट तैयार करते हैं, हम अपने घर का जब बजट तैयार करते हैं तो कुछ पैसे निकाल के अलग से रख देते हैं ये देखकर कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो उसमें ये काम आएंगे. एम आई राइट? हम सब ये करते हैं ना कि कुछ पैसे अलग से निकाल के रख देंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे इनको यूज़ किया जाएगा. सिमिलरली इंडिया एक बड़ी कंट्री है और इसमें भी काफ़ी इमरजेंसीज आती रहती हैं, उसके लिए एक फ़ंड तैयार करा जाता है जिसका नाम है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया. ओके, लाइक अभी कोविड की पैंडेमिक चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है, या कोई फ्लड की प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिज़ास्टर प्रॉब्लम आ जाए, कहीं ड्राउट प्रोन रीज़न हो जाए, कहीं भुखमरी वगैरह हो जाए, ऐसे जितने भी ये सारी इमरजेंसी होती हैं उसके लिए पैसा कहाँ से निकाला जाता है? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से. ओके रंजीत, लोकपाल काम क्या करता है वो आप मुझे बताओ. इतना शोकर, अंकित बताइए, मानसी, क्लास में इंटरेक्टिव रहा कीजिए ताकि हर टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. यहीं पे आप पढ़ो, यहीं पे आपको लर्न हो जाए, आपको दोबारा जाके रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं है गाइस. ओके, मैं क्लासेस को कलरफुल भी इसीलिए बनाती हूँ ताकि इंटरेक्टिव आपको लगे और आपको चीज़ यहीं पर याद हो, यहीं पर आप इसको पढ़ो. नो वरी अबाउट दैट. ओके, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट बना था 2013 में. एक ही एंटी करप्शन एक्ट है, ये एक एंटी करप्शन एक्ट है दैट सेटअप द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज. जो पब्लिक फंक्शनरीज होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उसमें कोई भी आ गया, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं उसमें, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो गए, ग्रुप ए ऑफिसर्स हो गए, जो ग्रुप ए ऑफिसर मतलब IAS और IPS हो गए, यस मानसी यू आर राइट, या BCD के ऑफिसर हो गए, ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, सभी तरीके के जो गवर्नमेंट पर्सन है ना, पब्लिक के जो सर्वेंट है, पब्लिक जो पर्सन है,
अगर उन्होंने कोई कमिट करा है, कोई ऑफेंस करा है, कोई करप्शन करा है, तो उसको रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। ओके, लोकपाल जो होते हैं वो सेंटर में काम करते हैं, लोकायुक्त जो होते हैं वो स्टेट में काम करते हैं। वो देखते हैं कि कोई जो करप्शन हुआ है उस किसी अगर किसी सर्वेंट ने करा है, सपोज हम एबीसी यहाँ पे ले रहे हैं, एबीसी एक पब्लिक सर्वेंट है, उन्होंने करप्शन करा, तो उसके खिलाफ सारी जो कार्रवाई होगी वो लोकपाल करते हैं। ओके, यस, करप्ट बिहेवियर चेक करता है, वेरी गुड तपस्या एंड रंजीत, यू आर ऑल राइट। मानसी आप भी ठीक हो कि करप्शन को रोकता है। ओके, हमने यहाँ बात की, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है गाइस, ये चेक करना कि इवन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनको भी इसमें इंक्लूड करा गया है। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई करप्शन का एक्ट करते हैं, तो उनको भी लोकपाल देखेगा, उस केस को भी लोकपाल कंसीडर करेगा। जो ये नया एक्ट आया है अभी 2020 में, जो नया एक्ट आया है उसमें एक और चीज़ ऐड करी गई है कि जो लोकपाल होता है उसके मेंबर होते हैं, वहाँ चेयरमैन होते हैं, दूसरे जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट ट्रीट करे जाएंगे। बात समझो, उनको भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। पब्लिक सर्वेंट अगर माना गया और उन्होंने कोई करप्शन करा, तो उनके खिलाफ भी केस फाइल होगा। ओके, तो ये एक नई चीज़ है जो कि इस वाले एक्ट में ऐड हुई है। ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर कर लेते हैं। सीबीआई पर जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, इस पर भी जो है लोकपाल की पावर चलती है। ओके, सुपरिनटेंडेंस और डायरेक्शन जो है सीबीआई पर भी चलेगी अगर कोई केस रेफर करा है बाय द ओम्बर्स में। लोकपाल किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर लगता है कि उसने कोई करप्शन करा है, तो उसको एक समन भेज सकते हैं पब्लिक सर्वेंट को कि आपके खिलाफ यहाँ पर याचिका दायर हुई है। ओके, पर ये चीज़ होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी रिसेंटली एक्ट में जो चीज़ ऐड हुई है, इन्वेस्टिगेशन विद इन 6 मंथ जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, स्पेशल कोर्ट विल बी इंस्टीट्यूटेड, ये देखो, स्पेशल कोर्ट विल बी इंस्टीट्यूटेड टू कंडक्ट ट्रायल ऑन द केसेस रेफर्ड बाय द लोकपाल। लोकपाल के द्वारा जो केसेस होते हैं, ट्रायल लिए जाते हैं, उसके लिए स्पेशल कोर्ट जो है एस्टैब्लिश करे जाते हैं। ये वाला टॉपिक क्लियर है क्या? अब आप देखो कि अगर एबीसी एक ऑफिसर है, ठीक है, एक पब्लिक सर्वेंट है ये एबीसी, सपोज अगर हम ले प्रीति की बात ले लेते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, प्रीति ने इसके खिलाफ एक मतलब इस पता चला प्रीति को कि एबीसी ने, ये जो पर्सन है उसने करप्शन करा है, उसके खिलाफ उसने याचिका दायर करनी है लोकपाल के पास, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीति के पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए जो वैलिड प्रूफ आइडेंटिटी हो। ओके, अगर प्रीति फॉरेन है, फॉरेनर है, तो भी वो ये जो है मतलब याचिका दायर कर सकती है, कंप्लेंट कर सकती है, लेकिन उसके पास कॉपी ऑफ पासपोर्ट उनको लोकपाल को देनी होगी एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ओके मानसी, इलेक्ट्रॉनिकली भी आप या पोस्ट के थ्रू भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, लेकिन जो हार्ड कॉपी है वो 15 दिनों के अंदर लोकपाल के पास पहुंच जानी चाहिए। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पब्लिक सर्वेंट जो कि आर्मी में काम कर रहे हैं, नेवी में काम कर रहे हैं, एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड में काम कर रहे हैं, इन सब के पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी कंप्लेन फाइल नहीं होगी। याद रख लो, उनके खिलाफ जो है कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं होगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। ओके, कंप्लेंट जो है किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, अगर प्रीति असम की है तो असम अपनी लैंग्वेज में भी जो है कंप्लेंट फाइल कर सकती है, बशर्ते कि वो लैंग्वेज 8 शेड्यूल जो है ना, 8 शेड्यूल है उसमें मेंशन हो। ओके, एलिगेशन एंड एविडेंस मस्ट बी रिलायबल, ऑब्वियसली जो आप एलिगेशन लगा रहे हो एबीसी पर वो रिलायबल होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, अगर झूठे हुए तो उसकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, तो दोनों तरफ से आपको डांट पड़ेगी, एबीसी से भी और लोकपाल से भी। ओके, आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट अक्यूज ऑफिशियल विल बी प्रोटेक्टेड बाय द लोकपाल, यानी कि विसल ब्लोवर वर्ड सुना है ना आपने,
विसल ब्लोअर के बारे में ही है ये बात कि अगर आपने जैसे प्रीति की जो आइडेंटिटी है वो रिलीज नहीं होगी, उसको किसी को भी रिवील नहीं करा जाएगा, ना ही तो कंप्लेन उसको पता होगी, क्या कहते हैं जो एक्यूज है ना एबीसी, उसको नहीं पता होगी, ना ही वैसे मार्केट में रिलीज करी जाएगी। जो विसल ब्लोअर होता है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। ओके सो ये वाला टॉपिक क्लियर है? जल्दी बताइए। कुणाल अंकित शोकत तपस्या मानसी प्रीति रंजीत शोकत तपस्या दीपक, आंसर कीजिए। ये सब टॉपिक क्लियर हैं क्या? चलिए नेक्स्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉरिशियस ऑयल स्पिल। आप सबने ये सुना है, काफ़ी न्यूज़ में ये चल रहा है कि मॉरिशियस जो आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहाँ पर ऑयल स्पिल हो रहा है। ऑयल स्पिल का मतलब होता है कि जैसे ये बोट है, शिप है, वहाँ पर वो ऑयल 1000 ऑफ द टन का जो ऑयल है वो लेकर जा रहे थे, ये सारा ऑयल है सपोज, यहाँ से एक छोटी सी लीकेज हो गई। लीकेज हो रही थी, जापान का वो एक शिप था जिसका नाम था MV वकाशियो, वहाँ से वो चल रहा था। थोड़ी थोड़ी लीकेज तो पूरे इंडियन ओशन में वो करते ही आ रहे थे, मतलब लीकेज हो रही थी, ऑयल जो है इंडियन ओशन में रिलीज हो ही रहा था। लेकिन मॉरिशियस के ब्लू बे मरीन पार्क, जो कि एक इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर आकर वो शिप दो हिस्सों में टूट गया। ओके दो हिस्सों में टूट गया तो सारा ही ऑयल निकल गया बाहर, है ना? तो सारा ऑयल जो था, करीबन 1000 ऑफ द टन ऑयल जो है वो स्पिल हो गया, रिलीज हो गया इन द इंडियन ओशन। अब आप खुद बताओ मेरे को कि इंडियन ओशन में ऑयल होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। ओके हम एक इमेज देखते हैं, ये देखिए ओशन का कलर कुछ ऐसा होता है। ऑयल स्पिल होने के बाद मॉरिशियन की कोस्ट लाइन पर कुछ ऐसा हो गया। ऐसे एरिया में आप ये बताओ कि ऑयल जब ऊपर सारा सरफेस पर आ गया है तो नीचे तक सनलाइट नहीं जाएगी, एम आई राइट? नीचे तक सनलाइट नहीं जाएगी, कॉरल्स को इफेक्ट पड़ेगा। ओके उनको सनलाइट नहीं मिलेंगी, ग्रो नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, है ना? फिशेस ग्रो नहीं कर पाएंगी, फिशेस ब्रीद नहीं कर पाएंगी, ऊपर नहीं आ पाएंगी, समझ रहे हो ना बात? दूसरा टूरिज्म पे भी इम्पैक्ट पड़ा। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को पता तो है नहीं, डेंजर फॉर एक्वेटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम तो ये लगा लो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है इस वाले रीज़न का, कॉरल ब्लीचिंग होती है। यस मरीन इकोसिस्टम को पूरे को इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ से, टूरिज्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स आएंगे जैसे ओशन पर बर्ड्स, पानी पर बर्ड्स बैठते हैं तो वो पूरे ऑयल में लतपत हो जाएंगे, जिससे क्या होगी उनकी पूरी बॉडी पे ऑयल की कोटिंग हो जाएगी, वो मतलब फ्लाई नहीं कर पाएंगे, ब्रीद नहीं कर पाएंगे, तो बर्ड्स की भी डेथ होगी, जिसको एक होती है इसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ओके बर्ड्स की अगर मतलब ऑयल कोटेड बर्ड्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। मरीन मैमल्स भी ऐसे ही हैं, उनकी भी ऐसे डेथ हो सकती है। ओके चलिए ब्लू बे मरीन पार्क है मॉरिशियस में, ये चीज़ याद रख लेना। अनकाउंटेड वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ क्रूड ऑयल, चाहे तो क्रूड ऑयल या कोई गैसोलीन, कोई भी दूसरा फ्यूल या ऑयल से बने हुए जो बाय प्रोडक्ट है, अगर एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं तो एक कंसर्न है ही। ओके कंसर्न होता ही है। ऑयल स्पिल कैन पॉल्यूट लैंड एयर वाटर एंड इट इज़ मोस्टली यूज फॉर द ओशियनिक ऑयल स्पिल, और स्पेशली अगर ओशियन में ऑयल स्पिल हो जाए तब तो बस पूछो ही मत कि कितनी ज़्यादा खतरे की बात है। ओके ऑयल स्पिल जो है थ्रेटन करेगा मॉरिशस की कोस्ट लाइन को, वहाँ की इकोलॉजी को, मरीन लाइफ को थ्रेटन करेगा। डेंजर होगा कि ऐसे कोरल रीफ जो ऑलरेडी एंडेंजर थे उनको तो अब सनलाइट नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ब्लीचिंग तो होगी ही होगी। ओके सी ग्रासेस के लिए खतरा हो जाएगा,
मैंग्रोव्स वगैरह के लिए खतरा होगा, एक्वेटिक फौना के लिए, फिशेस के लिए, यानी कि सारा, जैसे शौकत ने बोला कि सारे मरीन इकोसिस्टम के लिए खतरा बनेगा। जाइंट टॉर्टोइज एंडेंजर ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए। जाइंट टॉर्टोइज एंडेंजर ग्रीन टर्टल, पिंक पिजन आर द वाइल्ड लाइफ, दीज वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी लिविंग एट द रिस्क इन दिस आइलैंड, यानी कि मॉरिशियस के ब्लू बे मरीन पार्क में जाइंट टॉर्टोइज हो गया, टर्टल हो गया और पिंक पिजन ऑलरेडी रहते हैं, उनका स्टेटस ऑलरेडी रिस्क में है और ये होने से तो और ज़्यादा डेंजर है। पिंक पिजन एंडेमिक टू द मैस्करीन आइलैंड ऑफ द मॉरिशियस और इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ओके, ब्लू बे मरीन पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो है एक स्टेटस दिया गया है। गाइज, आप मुझे ये बताओ कि आप सबको इंडिया की रामसर साइट का पता है, कौन सी कहाँ है, क्यों फेमस है, क्यों ऐड हुई, रामसर क्या है, वेटलैंड क्या है, सब चीज़ों का पता है? इस ब्लू बे मरीन पार्क में कॉरल रिफ्स पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स हैं, सी ग्रास हैं, मीडोज हैं, मैक्रो एल्गे हैं, जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ये सारी चीज़ें इस एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाती हैं। ओके, एनवायरमेंटली भी इम्पैक्ट डालता है ये, सरफेस पर जैसे ऑयल्स आ जाएगी तो सनलाइट प्रॉब्लम होगी, सॉल्ट वाटर मर्शेज मैंग्रोव वगैरह को ये फ़र्क पड़ेगा। मॉरिशस की लोकेशन देख लो, जैसे ये है इंडिया, कहाँ गया, ये है हमारा इंडिया, इस साइड है अरेबियन सी, यहाँ इसके इस साइड होगा बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से नीचे की ओर आप आएंगे, अफ्रीका के पैरेलल में आपको मिलेगा सेशल्स, सेशल्स के पैरेलल में आपको मिलेगा मालदीव्स, मालदीव्स के नीचे ही आप जाओगे तो डिएगो गार्शिया आपको मिलेगा, इस साइड आप जाते हैं तो अजम्पशन आइलैंड आपको मिलता है। अजम्पशन आइलैंड और मैडागास्कर काफ़ी न्यूज़ में है गाइस, तो इनकी जो है लोकेशन याद रखना और थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस याद रखना, इम्पॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए। इसके यहाँ पास में आएगा अगालिगा आइलैंड और फिर नीचे आता है मॉरिशियस। ठीक, मॉरिशियस बिल्कुल नीचे है, सारे आइलैंड को कवर करने के बाद मॉरिशियस आएगा इंडियन ओशन में, राइट। इस साइड है साउथ चाइना सी, यहाँ आपका जापान है। तो आप एक चीज़ देखने जाओ तो वर्ल्ड मैप आप उठा रहे हो, एक चीज़ आप देख रहे हो तो तीन चार चीज़ें साथ में देख लो, रिवीजन हो जाएगी, कुछ जाएगा तो नहीं ना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। इस साइड आपका ऑस्ट्रेलिया। सो ये टॉपिक क्लियर है, जल्दी बताइए। अंबर टेक्निक्स बहुत सारी हैं, कुछ स्टार्ट कर दी गई हैं, कुछ के लिए अभी देर है, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा कुछ होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें से ऑयल को वाटर से अलग कर लिया जाएगा, उसको नीचे वाटर के अंदर छोड़ देंगे ताकि ऑयल जो है वो सारा सक कर लिया जाए, ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जानना। अगर आपको रामसर साइट कोई है मतलब क्लियर नहीं है, याद नहीं है, तो टेलीग्राम में मैं उसको लिंक, आप क्लास का लिंक शेयर कर दूंगी, या स्टडी आईएएस पर जाकर भी आप रामसर साइट ऑफ इंडिया का देख सकते हो। ऑलरेडी हम क्लास ले चुके हैं, बहुत अच्छी क्लास है और उसमें हमने ट्रिक से याद किया है कि कौन सी राम साइट कहाँ पर है। आप सबने तो क्लास देखी ही है ना, तो वो चीज़ क्लास देखो देखो तो रामसर साइट इंडिया की कवर अप हो जाएंगी। एक ये वाली भी बात देख लो कि ऑयल स्पिल तो पहले भी हुए हैं बहुत, जैसे रशिया में हुआ था जिसमें 20,000 टन जो है डीजल ऑयल रिलीज हुआ था, लेकिन जहाँ इस जिस एरिया में वो रिलीज हुआ वो इतना ज़्यादा मतलब इको सेंसिटिव जोन नहीं था। ओके, ये सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ लेना गाइज। मैं एक और अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहती हूँ कि आज हमारी 5 PM एक क्लास रहेगी आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें हम जैसे ये करंट अफेयर हम कर रहे हैं, 1 ईयर की एक सीरीज़ कर रहे हैं, 5 PM की जो क्लास रहेगी आर्ट एंड कल्चर की पूरी सीरीज चलेगी। लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में जितनी भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड न्यूज़ रहेंगी वो सारी आपको 5 PM कवर अप हो जाएंगी। ओके, करीबन 4 से 5 सेशन इसमें रहेंगे, उसमें सारी जो करंट अफेयर है हम उसको कवर अप कर लेंगे। ओके, सो जैसे आप मेरे को इस क्लास में सपोर्ट करते हैं तो 5 बजे आप मेरे को वहाँ पर भी मिलिएगा।
विल यू बी देयर? क्या आप सब वहाँ पर भी होंगे मेरे साथ 5 बजे, 5 PM? जी, स्वन का ये टॉपिक है गाइस, लिंग राज टेम्पल। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ओडिशा में है। पहली बात तो ये, ओडिशा की गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो 350 साल पुराना ये स्ट्रक्चरल स्टेटस है, अब हम उसको एक नया रूप देंगे, उसको फेसलिफ्ट देंगे। ओके, ये संभव दैट इट विल बी अ फर्स्ट क्लास। आज ही वो फर्स्ट क्लास है, उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे हम। जी, ये जो लिंगराज टेम्पल है डेडिकेटेड टू द शिव है, यानी कि जो शिव गॉड होते हैं, लॉर्ड शिव को ये डेडिकेट है। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट टेम्पल है इन ओडिशा, बिल्ट बाय द किंग जजाति केशरी। ये एक वहाँ के किंग थे पुराने टाइम के, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। कलिंग स्टाइल, मतलब ये जो टेम्पल है वो रेड स्टोन में बना है। ये अज्यूम करा जाता है कि ये कलिंग स्टाइल में बने होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये अगर सपोज ये टेम्पल है तो इसके नॉर्दर्न साइड में एक लेक है, बिंदु सागर लेक, जो कि इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाती है। ये टेम्पल है, अगर ये जैसे इमेज में आपको दिख नहीं रहा है, पर ये सारा जो है रेड स्टोन से बना हुआ है, जिससे माना जाता है कि कलिंग स्टाइल में बना है। लेकिन आप इसकी पोजीशन देखो, ये है चार तरफ से बना हुआ है कुछ, यानी कि स्क्वायर पोजीशन में है, इसकी चार साइड है। ऐसा माना जाता है कि ये स्टाइल जो है देवला स्टाइल है। ओके, विष्णु भगवान की इमेजेस भी इस टेम्पल से मिली है, वहाँ देखने को मिली है। तो ये भी माना जाता है कि ये जो टेम्पल है, जगन्नाथ जो टेम्पल है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ रिलेटेड है। जगन्नाथ यात्रा होती है ना ओडिशा में, और वहीं पे टेम्पल भी है, जगन्नाथ टेम्पल है पूरी में, जो कि 12th सेंचुरी में बना था। तो ये अज्यूम करा जाता है कि ये उस चीज़ से भी कुछ रिलेटेड है, कुछ लिंक रखता है। रीडेवलपमेंट प्लान ऑफ द पेरीफेरल एरिया ऑफ द टेम्पल नोन एज अ एकम रावण क्षेत्र, इसको क्या एक नाम दिया गया, एकम रावण क्षेत्र, जो कि ओडिशा गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है एरियल सीडिंग। जी, ये स्त्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करा है। अगर गाइज आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रिसेंटली एरियल सीडिंग वॉज इन न्यूज़, इट इज़ स्टार्टेड बाय विच गवर्नमेंट। तो ऑप्शन आ जाएगा UP या MP, फिर हरियाणा और फिर तमिलनाडु या तेलंगाना, कुछ भी आ जाएगा। तो वो चीज़ याद रखो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको जो है लॉन्च करा है। आप सब जानते हो जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स किस किस स्टेट में लाई करती है वो बताइए। हरियाणा में है वो चीज़, एक मैं बता देती हूँ कि अरावली हिल्स हरियाणा में लाई करती है। अरावली का जो रीज़न है कुछ ऊंचा नीचा है, ऑब्वियसली जैसे पहाड़ों का होता है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, वैसा ही अरावली का रीज़न भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रीनरी नहीं हो पाती, वहाँ पर खेती नहीं हो पाती। ओके, एरियल सीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन की सहायता से, या आप हेलीकॉप्टर देख रहे हो ना, इसकी सहायता से छोटी छोटी सीड बॉल्स जो हैं क्ले में कंपोस्ट करके, यानी कि मतलब जो सीड बॉल्स होती हैं उनको यहाँ पर फेंका जाएगा। ओके, इस एरोप्लेन से या ड्रोन की सहायता से ये जो पहाड़ हैं या जो यहाँ पे आप ये डाइवर्सिटी देख रहे हो, यहाँ पे फेंक दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये फसल हो जाएगी, यहाँ पर फसल उग जाएगी। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, जी बिल्कुल, गुजरात में भी है क्या? इट एम्स टू रीजनरेट द लो वेजिटेशन डेंसिटी। एरियल सीडिंग का उद्देश्य यही है कि वहाँ की वेजिटेशन डेंसिटी को रीजनरेट करना, बढ़ावा देना, बढ़ाना वहाँ पर। ओके, अरावली और शिवालिक हिल्स पर जाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की सहायता से वहाँ पर सीड को, ये देखो ये वाला पोर्शन कवर करो, सीड विल बी कवर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ क्ले, कंपोस्ट, चार और दूसरे कंपोनेंट के साथ कवर अप करके, मिक्सिंग करके बॉल्स बना ली जाएंगी छोटी छोटी, और प्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन वगैरह की सहायता से वहाँ पर फेंक दी जाएगी। ओके, इसका उद्देश्य ये है, मतलब थीम याद करो, फायर एंड फॉरगेट। फायरिंग करो मतलब वहाँ पर डालो, और फॉरगेट भूल जाइए, मतलब भूल जाइए कि आपने सीड बॉल्स वहाँ डाली थी, उसका क्या रिजल्ट रहा, वो सब भूल जाइए। क्योंकि आप देखिए वहाँ पर ऑलरेडी मतलब
काफ़ी ज़्यादा रेन भी होती है तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं, वेजिटेशन अच्छी, सॉयल अच्छी है वहाँ की, तो हमने सॉयल वगैरह की ज़रूरत नहीं देखने की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं देखने की, प्लगिंग की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका थीम यही रहेगा, फायर एंड फॉरगेट वे ऑफ प्लांटेशन। ओके, छोटा सा टॉपिक था पर आपको पता होना चाहिए ये कवर है क्या। रंजीत गुजरात में भी है पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही हिस्सा जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है ना, वहाँ पर थोड़ा सा ही अरावली हिल्स देखने को मिलती है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ को ये शो करता है। ये वाला जो इंडेक्स है अभी न्यूज़ में इसीलिए था, जनवरी और फरवरी में जब देखा गया कि काफ़ी इंडिया में स्लो डाउन आया है, ओके, इंडिया में काफ़ी इंडस्ट्रियल स्लो डाउन आया है, इसीलिए ये इंडेक्स न्यूज़ में भी था। ये इंडेक्स किन किन सेक्टर को देखता है, मैन्युफैक्चरिंग को, माइनिंग को, कैपिटल गुड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इन्हीं सभी सेक्टर में स्लो ग्रोथ दिखने को मिली थी, इसीलिए ये वाले टॉपिक न्यूज़ में था। कुछ फाइंडिंग देख लो, जो माइनिंग है या कोई क्वारिंग सेक्टर है, 2% उसकी ग्रोथ थी फेबररी में, लेकिन जनवरी में देखे तो 3.92% थी। तो आप देख रहे हो ना कि डिक्रीज आया है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सेम ऐसा ही था कि 1.05 था जनवरी में, 0.31% रह गया फरवरी में, तो ऑब्वियसली स्लो डाउन आया है। यस अक्षय, यू आर राइट, आठ एट इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री हैं जिनको ये जो है इंडेक्स देखता है, उसको भी हम देखते हैं आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, 2.38 फेबररी में था, 6.8% जनवरी में था, तो देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कंज्यूमर जो नॉन ड्यूरेबल सेक्टर होते हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, 4.3% फेबररी का है ये, 3.3% आपके जनवरी का है, ओके, इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आईआईपी वही बात है जो हमने करा कि इंडस्ट्रियल ग्रुप की ग्रोथ को दिखाता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को पब्लिश करता है जी। बिल्कुल, एक चीज़ याद रखो, ऑन द मंथली बेसिस CSO इसको लॉन्च तो करता है, एनुअली नहीं करता, वो करता है मंथली बेसिस, ओके, वो चीज़ याद रखना, मंथली बेसिस पर ये CSO लॉन्च करता है इस इंडेक्स को। ये देख लो ब्रॉड सेक्टर कौन से हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, यूज़ बेस्ड है, बेसिक गुड, कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड। एट कोर इंडस्ट्रीज में ही जो है 40% IIP के इंडेक्स को संभाला हुआ है। चलिए, इंडस्ट्री कौन कौन सी है, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। तो याद करोगे कैसे, तो याद करें क्या इसको, आर यू रेडी। सारी जो इंडस्ट्रीज हैं सीरीज में याद रखनी है, और इंडस्ट्री की एट की एट इंडस्ट्री हमें याद भी होनी चाहिए। तो याद कैसे करते हैं, एक रीना नाम की लड़की थी, देखो एक रीना नाम की लड़की थी, उसने प्लग में हाथ दिया, उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा, ओके, उसने कुछ ऐसा किया कि उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा, ओके, जैसे कुछ ऐसे मैं इसको बना रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का उसको शॉक लगा, चलो भाई लग गया। उसने मतलब घर वालों को आके बताया कि मुझे इलेक्ट्रिक का झटका लगा है, और पूछा कि कैसा लगा तेरे को वो झटका, मतलब हाउ यू फील दैट एट दैट टाइम। तो उसने बताया कि जैसे किसी ने स्टील की रॉड मेरे को मारी हो, तो वैसा ही मुझे फील हुआ, ओके, उसने अपने घर वालों को बताया आके, जैसे किसी ने स्टील की रॉड मुझे मारी हो ऐसा मुझे फील हुआ, बात है क्लियर। जहाँ पर सपोज उसके हाथ पर उसको जो है झटका लगा था, तो उसका हाथ पूरा काला हो गया। काला क्या होता है, कोल होता है, कोयला होता है, तो याद कर लो कि कोयले जैसा उसका हाथ हो गया। हम बोलते हैं ना कि कोयले जैसा है वो, तो उसका हाथ कैसा हो गया, जलकर कोयले जैसा हो गया। फिर लोगों ने कहा कि मतलब जैसे फैमिली वालों ने कहा कि इसके हाथ पर ऑयल लगा दो तो ये ठीक हो जाएगा, ओके, ऑयल लगा दो, ऑयल से आप क्या याद कर लोगे, क्रूड ऑयल लगा दो, क्रूड ऑयल लगा दो तो उसके हाथ ठीक हो जाएगा। चलो ऑयल लगा दिया, अब ऑयल को सूखने के लिए, ये बहुत पहले की बात है, ट्राइब वगैरह जो है ना वो देख रहे हैं, वो मतलब उसके बारे, रीना एक ट्राइबल ट्राइब है ये समझो, कि रीना एक ट्राइब है,
उसको पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक क्या होती है, प्लग में मैं हाथ दूंगी तो क्या होगा, तो उसको इलेक्ट्रिक का शॉक लगा। उसने अपनी फैमिली को बताया कि कैसे लगा, कि कैसे जैसे किसी ने स्टील की रॉड मुझे मारी हो, ऐसा मुझे झटका लगा। ठीक है, फिर सबने कहा कि ये तो ना काली हो गई है, जैसे कोयला होता है वैसे ही काली हो गई है, कोल जैसी। उसकी फैमिली ने कहा जो ट्राइब है तो उसको ऑयल लग गया। अक्षय, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, तो ऑयल लगा दो तो ठीक हो जाएगा, तो क्रूड ऑयल हो गया। फिर ऑयल को सूखने के लिए उसको नेचुरली एरिया में बिठा दो, यानी कि आसमान के नीचे बिठा दो। कूलर वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, एसी वगैरह, तो उसको नेचुरली आसमान के नीचे बिठा दिया तो ताकि ऑयल सूख जाए। तो नेचुरल से क्या याद करोगे, नेचुरल गैस। गैस मतलब उसकी वो ऑयल सूख गया है, तो जैसे हम क्रीम अप्लाई करते हैं, कोई भी मेडिसिन होती है अप्लाई करते हैं, ऐसे ही उन ड्राइव्स ने उसके हाथ पर सीमेंट अप्लाई कर दी कि सीमेंट अप्लाई कर दो कि अब ठंडक आपको पड़ जाएगी। और फर्टिलाइज़र से आप समझो कि अब वो क्रीम अप्लाई करने के बाद उसको टैबलेट्स दे दी, और टैबलेट्स फर्टिलाइज़र की जैसे होते हैं फॉर्म में, वो वैसे थी, वो उसको फिर मिली और फिर वो ठीक हो गई। थोड़ी सी लंबी है पर आर्ट इंडस्ट्री है गाइज, वो याद भी तो करनी है ना, तो ये चीज़ याद हो जाएगी क्या? बताइए। और शैल आई रिपीट इट? अक्षय, ट्रिक याद हो जाएगी वो बताइए, लंबी और शॉर्ट है वो डोंट मैटर। स्टील मिस नहीं हुई ना, स्टील उसने बताया ना फैमिली को कि कैसे उसको इलेक्ट्रिक का शॉक लगा, जैसे किसी ने स्टील की रोड उसको मारी हो, ऐसा उसको शॉक लगा। तो बस वो स्टील ऐसे याद कर लीजिए और कुछ नहीं। सीरीज में भी याद रखनी है तो सीरीज में ऐसे ही याद हो जाएगी। चलिए, ये टॉपिक है गाइस, हम इसको कल कवर कर लेंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चंस, वरना हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, ये पेयर है वो याद करो, प्रोटेक्टेड एरिया है और इधर वेल नोन फॉर है। बितरनी का एक एरिया है, एक जगह है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। डेजर्ट नेशनल पार्क है वो ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड के लिए है। एराविकुलम है वो हुलक गिबन के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव, जो पेयर है इज आर इनकरेक्टली मैच्ड। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब आप यूपीएससी एग्जाम में आप बैठोगे, बैठते ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, क्वेश्चन में अगर पहले देखो कि वो रॉन्ग पूछ रहा है या राइट पूछ रहा है, उसको हाईलाइट कर लो, कैसे भी उसको हाईलाइट कर लो, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, उसको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन करते टाइम ये ना हो कि इसने तो राइट पूछा था और मैंने इसको रॉन्ग बता दिया। इस वजह से यस मान जी, ये भी अच्छी है, काफी काफी अच्छी आपने बताई गाइज। एक और ट्रिक है इनको याद करने की, आप ये भी चीज देख सकते हो, जैसे रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, कोल से नहीं, इसमें नेचुरल गैस यूज़ होती है, ऑयल नहीं, इसकी बॉडी स्टील और सीमेंट की होती है, फर्टिलाइजर की नहीं। यस मानसी, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट ट्रिक, काफ़ी अच्छी ट्रिक आपने सुझाई। चलिए, सो रंजीत तपस्या, यू आर सेइंग ए एंड सी विल बी योर आंसर। इनकरेक्टली मैच, ओके। साथ में मुझे ये भी बताओ कि कहाँ कहाँ है, बेतानिका कहाँ है, डिजर्ट कहाँ है, अराविकुलम कहाँ है। सी, ओके। रीजन भी बताते चलिए, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि आपको पता ही है, आप ऐसे ही तुक्का नहीं मार रहे हैं। ओके, सी।
चलिए, आप सब सी बोल रहे हो, सो सी ठीक ही होगा। चलिए, रंजीत बिल्कुल गलत। ओडिशा, राजस्थान और केरला। यस तपस्या, यू आर राइट। रंजीत, आपने ए बोला। कल ही हमने कवर अप किया था ना कि जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं वो बितरनिका मैंग्रोव में पाए जाते हैं, जो कि ओडिशा में है। कल ही तो किया था जी। बिल्कुल, तो फिर ये वाली तो चीज़ ठीक है। डेजर्ट फेमस फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अराविकुलम जो केरला में है वो हीलो गिबन के लिए तो है ही नहीं, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुर्मा ऐप इज रिलेटेड विद। कुर्मा ऐप किस चीज़ से रिलेटेड है? ये कोई टॉपिक आज गाइज हुआ नहीं है, टाइम कम रह गया था, पर आप बता दीजिए। कोरोना वायरस के अपडेट के लिए, टर्टल कंजर्वेशन के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, या नन ऑफ द अबव। कुर्मा ऐप किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है ये वो बताओ। बी, यस यू आर ऑल राइट। बी, टर्टल कंजर्वेशन के लिए कुर्मा ऐप रिलेटेड है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क आईटी कैन इन कोलाब्रेशन विद द टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया। नॉट ओनली प्रोवाइड यूज़र डाटाबेस, यानी कि ये तीनों मिलके डाटाबेस प्रोवाइड करवाते हैं कि पर्टिकुलर स्पीसीज अभी खतरे में है, जो रेस्क्यू मतलब नियरेस्ट अगर कोई सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर है, तो उसका भी पता इस ऐप के जरिए पता चल जाता है। ओके, ये टॉपिक भी गाइज आज हुआ ही नहीं है, तो हम इसको करके कुछ फ़ायदा तो है नहीं। चलो कर लेते हैं। द बथिनोमस रकासा एक स्पीसीज है, रिसेंटली डिस्कवर हुई है। सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट अबाउट दैट। इट इज डिस्क्राइब एज द कॉकरोच ऑफ द सी। इसको कॉकरोच ऑफ द सी बोला जाता है। दे आर फाउंड इन द कोल्ड डेप्थ ऑफ द स्पेसिफिक एटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। इट हैज़ 14 लाख, बट यूज इज दीज ओनली टू क्रॉल अलोंग द बेड ऑफ ओशियंस इन सर्च ऑफ फूड और लाटर। सो बताइए इसके बारे में क्या है राइट स्टेटमेंट। इस टॉपिक को हम कवर कर ही लेते हैं पहले। ये रहा रकासा कॉकरोच। रिसेंटली रिसर्चर ने इसको डिस्कवर करा है। सुपर जाइंट कॉकरोच है। इंडियन ओशियन में बैंटन एक जगह है, वहाँ से ये डिस्कवर हुआ है। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा जो सदर्न कोस्ट है वहाँ पर ये पाया जाता है। ये सिक्स सुपर जाइंट स्पीसीज है दैट फाउंड इन द इंडो वेस्ट पैसिफिक और वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन मेंबर ऑफ द जेनस, यानी कि इसकी फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर यही है। कॉकरोच ऑफ द सीज को बोला जाता है। इसके 14 पैर होते हैं, ये देखो 14 लैग्स इसके होते हैं, जिनकी सहायता से क्रॉल कर पाता है, रेंग कर चल पाता है। ओके, एज अ स्कैवेंजर इट ईट्स द रिमेन ऑफ डेड मरीन एनिमल्स लाइक वेल्स और फिश वगैरह ये खाता है। ये बहुत लंबे टाइम तक जो है बिना खाने पीने रह सकता है, बिना खाए ये रह सकता है। ये एक ऐसा गुण है जो ये शेयर करता है विद द अदर कॉकरोच। दूसरे कॉकरोच भी क्या होते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर डी ही है। आप सबने चेक कर लिया आई थिंक। जी, डी इज़ द राइट आंसर, ऑल आर ट्रू। रिसेंटली लोकसभा हैज पास द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2019। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल काउंसिल विल बी प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसजेंडर टू बी चेयर बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रांसजेंडर विल बी प्रोवाइडेड। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी विल बी रिक्वायर्ड एज अ प्रूफ अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द सेंटर। सो बताइए जल्दी से ये किसका आंसर क्या होगा। यू हैव टू टेल द राइट कोड। राइट कोड आपको बताना है। ओके, डी,
तपस्या, शोकर, प्रीति, रंजीत, विजय, बताइए जल्दी। सी, मानसी, क्या आपने तो कर दिया। विजय, शोकत, चलिए इसका राइट कोड है गाइस A1N3 ओनली। नेशनल काउंसिल भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, बनाई जाएगी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा चेयरिंग होगी, यानी कि चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर होंगे और सोशल जस्टिस। ओके, और ये वाला चीज़ तो हमने कर ही लिया था कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज अ प्रूफ चाहिएगा अंडर द सेंटर गाइडलाइंस। लेकिन बी वाला सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिजर्वेशन वाला कैसे कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर ये ऐसा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कमेटी होनी चाहिए, जिसमें अगर ट्रांसजेंडर को हेरासमेंट या कोई डिस्क्रिमिनेशन इश्यू रहता है तो वो वहाँ पर जाकर अपनी बात रख सके। ओके, हमने ये वाली चीज़ करी थी। तो आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। आप बताइए कैसी आपकी क्लास रही आज की? आज की क्लास कैसी थी? क्लास आपको पसंद आई तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो दूसरे स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इस क्लास को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी आई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, प्रॉब्लम के लिए, इश्यूज़ के लिए, प्रिपरेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या क्लास आप नया 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैसे स्टार्ट करो, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन द अकेडमी। अंकिता जिंदल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन मी देयर। जी बिल्कुल, अब हमारी जो क्लास रहती है 5 PM क्लास रहेगी आर्ट एंड कल्चर की। 1 ईयर का लास्ट, 1 ईयर का जो करंट अफेयर है हम उसमें उसको कवर अप करेंगे। ओके, चाहे कोई डांस है, कोई आर्ट है, कोई थिएटर है, कोई स्कीम है, क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे GS1 के लिए इम्पॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम 5 PM की क्लास में कवर अप कर लेंगे। ओके, सो चलिए मिलते हैं उस क्लास में। और गाइस एक और इन्फॉर्मेशन, स्टडी IAS पर दूसरे टीचर्स हैं, सी सेट के रमा मैम हैं, ज्योग्राफी के टीचर्स हैं और करंट अफेयर की क्लासेस हैं, तो अगर आपको इनमें कोई इश्यूज़ हैं तो आप वो क्लासेस देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास, और चलिए फिर 5 बजे मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक टू अन अकेडमी, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो तपस्या, गुड इवनिंग रंजीत। सो गाइज, एक बार आप अपनी प्रेजेंस कमेंट में बता दो, ये बता दीजिए कि मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ आप सबको क्लियरली। देन वी स्टार्ट अवर क्लास। आज की हमारी जो ये क्लास रहेगी करंट अफेयर की क्लास है, स्पेशली हम आर्ट एंड कल्चर के पिछले 1 साल में जितना भी करंट अफेयर आया है, जितना भी करंट अफेयर आया है आर्ट एंड कल्चर का, हम उसको इस पूरी सीरीज में पूरा ही कवर करेंगे। पूरी सीरीज रहेगी एक फुल ईयर, 2019-2020 के आर्ट एंड कल्चर को ये कवर अप करेगा। सो गाइज, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? बताइए। सो ये करंट अफेयर की क्लास रहेगी फॉर द आर्ट एंड कल्चर।
एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। हाय एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू?